फ्रेंड्स, एन टी वी के पसंदीदा शो विक्रम बेताल, जहां आज महाराज ने महारानी को दी है मौत की सज़ा। जी हां, आपको बता दें कि एक व्यापारी अपनी दो बच्चों के लापता होने की खबर महाराज को करता है, जिसके बाद महाराज उन दोनों बच्चों को खोजने का आदेश देते हैं। जाइए, इनके पुत्रों को ढूंढिए और उस अपराधी को हमारे समक्ष लाइए, उसे हम ऐसा दंड देंगे। वहीं दूसरी तरफ महारानी पद्मनी महाराज के पास आती है और उनके लिए उपहार लाती है। वहीं जब महाराज उपहार देखते हैं तो उसमें दो मुंडियां पड़ी हुई होती हैं, जिसके बाद महाराज पद्मनी से कहते हैं कि क्या तुम उस व्यापारी के बच्चों की मुंडियां काट कर लाई हो। जिसके बाद महाराज पद्मनी को बोलते हैं कि उसे सजा मिलेगी और पूरे राज्यसभा के सामने उनको दंड दिया जाएगा। घोषणा करवा दी जाए कि आज राज्य के प्रांगण में सूर्यास्त से पूर्व हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं पद्मिनी। वहीं महारानी महाराज से कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, निर्दोष है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में लोगों के सामने महाराज रानी को सजा सुनाते हैं। अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टूडियो शो बॉक्स। एक पुतली है, भद्रकाल की कुछ पुतलियां हैं जो कि विक्रम की लाइफ में आके कुछ कुछ उथल पुथल मचाती रहती हैं। तो ऐसी एक पुतली आई है और उसने कुछ ऐसा जादू किया है कि विक्रम एक जो होती है ना भावना, प्यार वाली, प्रेम वाली, उसने हर लिया है, उसको निकाल लिया और ये पूरी तरह से बहुत क्रूर और सबको डांट रहा है। कुछ ऐसा उसने किया, पुतली का काम ही ऐसा कुछ था कि यू नो, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जिससे इसको गुस्सा आए। तो महारानी इस गुस्से का शिकार हो गई हैं और उनको गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उस पर महारानी पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने दो बच्चों को मार दिया है, तो इसलिए उनको मृत्युदंड दे दिया इसने। तो वही सीन हम शूट कर रहे थे।